स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में हम बात करेंगे एप्पल iOS जो अब USB-C इस्तेमाल करता है, यानी कि जो अब एप्पल का टैबलेट आया जो फाइनली USB-C इस्तेमाल करता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको एप्पल USB-C में घुस रहा है उससे पहले मैं कहूँगा कि आप मेरा ये पिछला वीडियो चेक कर लीजिए जो मैंने 2 महीने पहले बनाया था कि मतलब एप्पल आज नहीं तो कल USB-C में शिफ्ट करेगा, तो कर दिया। और इसके बारे में आपको एक थोड़ा सा समरी देना चाहूँगा कि USB-C क्या है। तो आप पहले ये समझिए कि USB जब तक नहीं था तो इतना तिगड़म हालत था हमारा कि एक कंप्यूटर मदरबोर्ड में एक पोर्ट होता था माउस के लिए, एक पोर्ट होता था कीबोर्ड के लिए, एक पोर्ट होता था प्रिंटर के लिए, एक पोर्ट होता था सीरियल इंटरफेस के लिए। तो इतना तिगड़म को झंझट के चलते किसी ने मतलब काफ़ी लोग सामने आए, मैं यानी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर और इंजीनियर्स, और उन्होंने बोला यार एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है। तो वो एक स्टैंडर्ड को नाम दिया गया यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी कि USB। और USB 1.0 से गाड़ी खुला, USB से डेटा भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कीबोर्ड माउस चलेगा या प्रिंटर चलेगा, उसे डेटा भी ट्रांसफ़र कर सकता है, मतलब हार्ड डिस्क या कुछ भी। तो ये यूनिवर्सल बनाया गया और सब लोग इसको पकड़ लिए, ठीक है। तो USB में एक बहुत तिगड़म चीज़ लगाया गया था कि USB को हमेशा बैकवर्ड्स और फॉरवर्ड्स कंपैटिबल बनाया जाएगा। इसका ये मतलब होता है कि जैसे USB 2 आप सबके पास है, लेकिन मान लीजिए आपके पास एक USB 3 का आप पेन ड्राइव ले लेते हो, तो क्या है वो USB 2 के पुराने कंप्यूटर में चलेगा? आराम से चलेगा, बस स्पीड ज़्यादा नहीं देगा, मतलब वो USB 2 का ही स्पीड देगा। या उल्टा मान लीजिए था कि आपका लैपटॉप है जिसपे USB 3 का पोर्ट है और आपके पास USB 2 का पेन ड्राइव है, आराम से लगेगी, आराम से चलेगा। तो ये बैकवर्ड्स और फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी हमेशा मेंटेन की जाती है। तो फिर शायद आप लोग कहोगे कि यार ये USB-C में जो मतलब पोर्ट ही डिफरेंट है उसमें थोड़े घुसा सकते हैं पेन ड्राइव, आपको अडाप्टर मिल जाएगा और वो अडाप्टर में कोई तिगड़म नहीं है, बस फिजिकली समझिए कनेक्टर है, तो बहुत सस्ते में वो अडाप्टर मिल जाता है जो आपको अलाउ करेगा कि डेटा इधर से उधर कर सके। तो इसीलिए इसका यूनिवर्सल होने का बहुत भारी मतलब है। और हुआ क्या कि जैसे जैसे मोबाइल का इस्तेमाल बढ़ते जा रहा था दुनिया में, यूरोपियन यूनियन बोला कि यार तुम लोग मेरा पूरा मतलब जितने देश हैं सब जगह कचरा ही भरे जा रहे हो, क्योंकि सबका अडाप्टर अलग है। आपको तो याद होगा पहले सैमसंग एक चौड़ा कंडक्ट ये मतलब चार्जर देता था, सोनी रक्सन का चार्जर बहुत मोटा होता था, नोकिया में तो 3-4 चार्जर होते थे, एक बहुत पतला वाला पिन चार्जर होता था, उसके बाद एक मोटा वाला था जो एन सीरीज नोकिया में इस्तेमाल किया जाता था। तो इतना तिगड़म को देख के कंपनी बोला भैया, कंपनी एज इन यहाँ पे यूरोपियन यूनियन आके बोला भैया नहीं, ऐसे आप लोग चुतियापा ना करो, हम सब लोग को एक ही चीज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आप लोग अपने में डिसाइड करो क्या करेंगे। तो सब लोग तो एक दूसरे का एक्सटेंडर्ड तो नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो सब लोगों ने USB का इस्तेमाल किया। इसीलिए आपके आजकल अगर आप ध्यान दीजिएगा तो हर फ़ोन में USB ही होता है, या USB-C होगा या माइक्रोबी पोर्ट होगा, लेकिन USB ही चल रहा है सिवाय एप्पल के। एप्पल जबकि बोला था कि हम करेंगे लेकिन किया नहीं। तो इसलिए समझिए कि एक तो स्टैंडर्ड है जो कि हर चीज़ चलेगा, तो इसका ये मतलब होता है कि आप आपका मोबाइल लेके चल रहे हैं कहीं पे बस में और ख़त्म हो गया आपका बैटरी मान लीजिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप किसी अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं या अपने बगल में जो बस वाला से बोलिए भैया अपना बैटरी बैंक देना, उससे आराम से चार्ज हो जाएगा। पहले का जो आप लोगों में से काफ़ी का उम्र होगा, जैसे आप 20 से ज़्यादा उम्र होगा, तो उनको याद होगा कि मेरे पास सैमसंग C100 था, इतना फैंसी उसका चार्जर था, अगर हम लोग चार्जर लिए बिना निकल गए काम ख़त्म, वो ख़त्म, उसका कुछ दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। तो इतना सब तिगड़म हटा के जब USB-C कर दिया गया, मतलब USB स्टैंडर्ड पे ला दिए गए, तो काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो आप ये समझिए कि आदमी को जैसे कि जो इस्तेमाल कर रहा है उसे बहुत फ़ायदा होता है। मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, मैं किसी भी स्टेशन पे जा सकता हूँ, अब तो मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे चार्जर भी लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ता है, कि पता ही है कि जैसे मान लीजिए मैं अपने भाई के घर जा रहा हूँ वहाँ चार्जर हो गई, अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ उसके यहाँ चार्जर हो गई, जिसके यहाँ लैपटॉप में कुछ काम करना उसके यहाँ लैपटॉप में है, तो चार्ज लगा चार्ज कर लो। तो समझ सकते हैं काफ़ी फ्रीडम मिल जाता है आपको और हमको। तो USB-C को हल्के से नहीं लेना चाहिए, काफ़ी बड़ी बात है। और USB-C को जो बनाया गया है ये काफ़ी इन सभी से जो गलती हुई, मतलब जो सबको एक चीज़ एक ही बार में आप परफेक्ट नहीं बना सकते, बहुत गलती करना पड़ता है, सीखना पड़ता है क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, तो काफ़ी चीज़ इन्होंने सीख के USB-C बनाया। USB-C में बहुत चीज़ को सुधारा गया, जैसे कि आपको पता है कि USB 3 जो है USB 3.0 उसका स्पीड लिमिट होता है करीब 500 से 600 MBPS, ठीक है। USB-C का स्पीड दिया गया है जो कि USB 1 के स्पीड में अगर आप बात करना चाहेंगे तो वो मतलब Gen 1 वो 5 GBPS पे है, तो समझ लीजिए लगभग वही 500 है। उसका दूसरा में जाइएगा वो 10 है, यानी कि लगभग आपको 1000 MBPS का अप डाउन देगा। उसके बाद थंडरबोल्ट पे आ जा रहे हैं जहाँ 20 GBPS चल रहा है, यानी कि लगभग 2.5 GB रीड और राइट वो हैंडल कर सकता है। तो मतलब कुछ ही SSD हैं जो उतना स्पीड पर काम करते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि अब आप SSD लगा के USB-C से काम कर सकते हैं जो फुल स्पीड पर चलेगा।
तो बोले उतना स्पीड का क्या जरूरत है। जैसे मान ली कोई वीडियो एडिटिंग करता है, तो अगर आप वीडियो फाइल को निकालना नहीं चाह रहे, मतलब जिस ड्राइव में है उसी में आप एडिट करना चाहते हैं, वो स्पीड का बहुत अंतर पता चल जाएगा आपको। तो समझ सकते हैं USB-C का इस्तेमाल करना काफ़ी फायदेमंद है। तो एप्पल तो हमेशा टिका रहता था कि भाई नहीं, हम तो अपना ही बनाएंगे, हम अपना कुछ करेंगे नहीं चेंज। तो ऐसा क्या हो गया कि एप्पल खतरे में आ गया कि भैया नहीं 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 हमको USB-C करना है? तो आप ये समझिए कि एप्पल जो है अपना मार्केट शेयर लूज कर रहा है। तो आप बोलोगे यार ऐसा कैसे हो सकता है, एप्पल तो अभी $1 billion का मार्केट, $1 trillion का मार्क क्रॉस किया, तो ऐसा कैसे हो सकता है एप्पल मतलब हार रहा है? तो आप ये समझिए कि हर आईफोन जो बिक रहा है, एक टाइम में ऐसा था कि 2 iPhone बिकता था और 1 Android बिकता था, फिर ऐसा टाइम है कि 1 iPhone बिकता था तो 1 Android बिकता था, अभी ऐसा टाइम है कि 1 iPhone बिकने के लिए लगभग 100 Android निकल जा रहे हैं। तो इसका शुरू में फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब फ़र्क ये पड़ रहा है कि अब जो लोग एप्लीकेशन डेवलप करते थे, पहले एप्पल उनको ये बोलता था कि आप मेरे के लिए डेवलप कीजिएगा, तो देखिए इतने लोग हैं, मतलब मेरे इतने यूज़र्स हैं, आपको हार्डवेयर का टेंशन नहीं लेना है, सबको मैं हार्डवेयर लॉक करके रखा हुआ हूँ, ठीक है। वो धीरे धीरे प्रॉब्लम सब गूगल सुधारने लगा, अपना अपडेट्स फिक्स करने लगा, जो जो प्रॉब्लम था उसको ठीक करने लगा, धीरे धीरे एंड्रॉयड का जो प्रॉब्लम था वो लगभग खत्म हो गया। तो आप यहाँ पे समझिए एक चीज़ आता है जिसे हम लोग कहते हैं परसेप्शन। परसेप्शन ये होता है कि जैसे मेरे पास ये लिनोवो YP1 फ़ोन था, जो अभी तक का मैं सबसे तगड़ा फ़ोन मानता हूँ, मतलब जिस टाइम ये निकला था, आप ही कंपेयर कीजिएगा तो नहीं तगड़ा है, लेकिन जिस टाइम ये निकला था आप समझिए ये 5 ampere की बैटरी दी थी, यानी 5000 mAh की। तो इसका बैटरी लाइफ के बारे में कुछ है नहीं, तो लोग जो एप्पल वाले थे वो बोलते थे नहीं 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 वो तो सही बात नहीं है, एप्पल में 3 ampere का बैटरी है तो कहाँ से कंपेयर कर रहे हो बैटरी लाइफ। और सब लोग यही बोलते थे एप्पल का बैटरी लाइफ बहुत अच्छा होता है। कैसे लोग बोल रहे हैं अच्छा होता है, जब इसमें 2 SIM लगता है, यानी 2 SIM डुअल सिम एक्टिव रहता है, जिसमें दोनों 4G तक आप रख सकते हैं, मैं 3G और 4G रखा हुआ था, दोनों चलता था, मतलब दोनों से डेटा लेता था, मतलब मेरा 2 GB जियो का खत्म होता था मैं शिफ्ट कर देता था, BSNL चलाने लगता था। उतना करने के बाद भी इसका बैटरी एक दिन में ख़त्म नहीं होता था, और उसके बाद इसमें 2 SIM का एक स्लॉट है और एक SD कार्ड का अलग से स्लॉट है, तो यानी मैं 2 SIM प्लस SD कार्ड लगाया हुआ था, जिसमें मैं 64 GB का SD कार्ड लगाया था और 128 GB तक का लगा सकता हूँ। उतना चीज़ करने के बाद इसका बैटरी टिक रहा है, यानी समझिए इसमें 2 फ़ोन है, मतलब सीधा सीधा 2 फ़ोन है, ज़्यादा मेमोरी है, इसका डिस्प्ले जो है जिसको मैं हर टाइम इस्तेमाल करता हूँ वो Full HD था जिस टाइम, मतलब ये निकला था एप्पल वो Full HD नहीं दे रहा था। तो किस बात पे आप ये बोल सकते हो कि एप्पल का फ़ोन में बैटरी लाइफ अच्छा है और इसका दाम एक लाइक 1/10 है, मतलब समझिए 10 गुना कम है इसका दाम। तो और हाँ एक चीज़ था मैं एप्पल में मान सकता था जिस टाइम ये निकला था कि भाई इसका कैमरा, मतलब एप्पल के कैमरा के बगल में नहीं आता, लेकिन आप सिर्फ मुझे कैमरा के लिए उतना चार्ज कर रहे हो और उतना आप चार्ज कर रहे हो कि मैं ये खरीदूं और एक DSLR खरीद लूं, DSLR पे तगड़ा लेंस खरीद लूं और उसके बाद खुश रहूं, क्योंकि आप DSLR के क्वालिटी से तो नहीं भिड़ सकते, आप कितना भी तिगड़म कर लीजिए आप DSLR के क्वालिटी से नहीं भिड़ सकते। तो किस बात का ये बोल रहे हो कि एप्पल इतना पैसा ले रहा है, एप्पल स्मूद है? तो इसमें अगर आप कोई एप्लीकेशन खोलते हैं, खासकर कि गूगल एंड्रॉयड 4.0, यानी मतलब ओरियो से तो बहुत पहले की बात, ओरियो 8 है, तो किटकैट के आसपास जब एंड्रॉयड को दोबारा लिखा गया, मतलब बैठ के इंजीनियर लोग बैठे नहीं भैया ये बहुत कचरा हो गया, अब इसको ठीक से साफ करके अच्छा से लिखा जाए, तो हुआ ऐसा कि अब कोई भी एप्लीकेशन एप्पल में पहले खोलते तो ऐसे खुलता था फटाक से, कोई टेंशन नहीं, बस आप छुए खुल गया सब बहुत अच्छा, एंड्रॉयड में खुलेगा लोड होगा, तो अब वो सब नहीं होता। क्यों? क्या एप्पल मतलब अब फास्ट है? हाँ। क्या एंड्रॉयड स्लो है? हाँ। तो आपको पता क्यों नहीं चलता है? वो इसलिए कि अगर 1/10 of a second में अगर आपका एप्लीकेशन खुल गया, आपको दिखेगा तो फास्ट ही ना, और ये मान लीजिए आप एप्पल लेते हैं 1/30th में वो खोल रहा है एप्लीकेशन, लेकिन आप परसीव नहीं कर सकते इतना कम टाइम गैप, वो आप परसीव नहीं, आपको यही दिखेगा आपने छुआ खुल गया एप्लीकेशन। और आजकल के जो तगड़े फ़ोन है, यानी कि जो एंड्रॉयड के सीरीज़ में जो सबसे हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त फ़ोन आता है, यानी कि सैमसंग Note 9, मतलब बहुत महंगा है इसमें सोचना नहीं है, लेकिन उससे तगड़ा फ़ोन आपको नहीं मिलेगा। वो एक तो बैटरी मतलब समझिए लगभग दुगना दे रहा है, जबकि उसमें भी डबल सिम है, उसमें 500 GB तक का इंटरनल स्टोरेज है और आप एक्सटर्नल भी 500 GB लगा सकते हैं, मतलब 1 TB का स्टोरेज देने के बाद भी उसका बैटरी टिक जाता है सैमसंग के, मतलब इसके एंड्रॉयड आईफोन के अगेंस्ट में। तो आप कैसे बोल सकते हो कि आईफोन का बैटरी लाइफ अच्छा है? और ये और आप दोनों बगल बगल रखिएगा, कैमरा इसी का बेटर आता है, इसमें तो इतने सारे फीचर्स सोचना ही नहीं है। तो सब तिगड़म मिला के ये कहना कि एप्पल मतलब समझे ना बहुत नया है, बहुत शानदार है, वो जमाना गया। शुरू में ये बात सही थी कि एप्पल बहुत तगड़ा चीज़ बनाता था और बाकी सब टट्टी बनाते थे, लेकिन धीरे धीरे सीखते सीखते अब ऐसा हो गया कि अभी मैं 10-12 हज़ार का अगर मैं MI का कोई फ़ोन लेता हूँ, वो लगभग कैमरा मैच कर लेता है आईफोन के और उससे आगे भी चला जाता है।
और 20-35 हज़ार में तो आप आंख मूंद करके आपको ऐसा कैमरा मिल जाएगा कि है, और बाकी सब फीचर के बारे में तो सोचना ही नहीं है। तो एप्पल का ये जो इनोवेशन था वो अब ख़त्म होने पर आ रहा है, और ये खास करके 2018 के कॉन्फ्रेंस में बहुत बुरी तरीके से दुनिया के सामने आ गया, क्योंकि जब आप लोगों को पता है कि एप्पल सीरी लॉन्च किया था, यानी वॉइस असिस्टेंट जो एप्पल का था, हेलो सीरी करके जो आप लोग बात करते थे, वो बहुत एडवांस था। जब आया मार्केट में पूरी दुनिया वाह क्या बात है, क्या बेमिसाल चीज़ बनाया, और उस टाइम गूगल भी उतारा, लेकिन गूगल का मतलब कहीं नहीं था, मतलब आसपास भी नहीं था, बहुत ख़राब था। लेकिन सब जो लोग को मिलिट्री इंजीनियरिंग के बारे में पता है वो लोग समझ गए, जैसे ही एप्पल ने बोला कि ये डार्पा की टेक्नोलॉजी है, सब लोग समझ गए यानी ये पुरानी टेक्नोलॉजी पर चल रहा है। तो मिलिट्री हमेशा टेक्नोलॉजी इस बात पे लेता कि वो हमेशा रिलायबल रहे। मिलिट्री को सबसे पहले ये चाहिए, उनको स्पीड नहीं चाहिए, उनको चाहिए रिलायबल, मतलब मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ कि नहीं। अब मिलिट्री के लिए आप समझ सकते हैं, वो वैसे अब उनको नया लेटेस्ट बंदूक नहीं चाहिए, उनको ऐसा बंदूक चाहिए जो 30 साल तक अलमारी में रखें, उसके बाद भी निकाले और काम करने लगे। तो समझिए मिलिट्री का रिक्वायरमेंट डिफरेंट होता है। तो गूगल जो है अपना जो बनाते रहा उसको धीरे धीरे काम कर रहा, कर रहा, कर रहा, कर रहा। अभी 2018 के IO कॉन्फ्रेंस में गूगल का फ़ोन, यानी कि गूगल के सर्वर पे आप मतलब आप गूगल के एंड्रॉयड फ़ोन से गूगल के सर्वर पे बात कीजिएगा और बोलिएगा भैया आई नीड अपॉइंटमेंट बुक्ड ऑन दिस एंड दैट, गूगल का सर्वर फ़ोन करेगा, एक आदमी को फ़ोन करेगा, एक रेस्टोरेंट में फ़ोन करेगा, एक पार्लर में फ़ोन करेगा, जिसका नंबर आप देंगे, और वहाँ वो बात करेगा कि हाँ मुझे ये नहीं चाहिए। और जो आदमी से बात किया जा रहा है, जैसे मान लीजिए मेरे पास फ़ोन है, मैं नहीं बता पाऊँगा कि वो इंसान है या मतलब मशीन है, इतना आगे आ गया इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 2018 में इन्होंने उसको डेमो दिया, और 2018 में एप्पल का नया फीचर क्या था, इमोजी, मोर इमोजीज। तो मतलब आप समझ सकते हो कि जो इनोवेशन था वो ख़त्म, मतलब यहाँ आप हमको लगभग सेक्रेटरी पकड़ा दे रहे हो मेरे पॉकेट में, और आप दूसरे तरफ ये दे रहे हो कि भैया इसमें इमोजी है। भाई मतलब वो जो सीरी का था वो रह गया, और फिर ये इंडिया और चाइना मार्केट में घुस नहीं पाए। आप समझिए कि अमेरिका का मार्केट पूरा सैचुरेट हो चुका है, जितने लोग के पास स्मार्टफोन खरीदाना था खरीदा चुका है, मतलब अब वहाँ एक तो आबादी उनकी बहुत छोटी है, मतलब इतनी छोटी है कि इंडिया से और चाइना से आप 1 बिलियन लोग हटा दिए तो भी हमारे जितने बचे रहेंगे वो ज़्यादा होंगे, मतलब अमेरिका से। और USA थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इस प्लैनेट पे, तो समझिए वो 400 मिलियन तक की उनकी आबादी है, और जितने लोग को खरीदना खरीदे, इंडिया अभी नया है, चाइना अभी नया है, दोनों कंट्री का एज मतलब उम्र आज़ादी के बाद से अगर आप देखना चाहेंगे, मतलब दोनों की आज़ादी मतलब लगभग 60-70 साल हुआ है, तो अभी खुल रही है, मतलब समझिए इंडिया का टाइम आ रहा है, चाइना का टाइम आ रहा है मार्केट में। तो दोनों मतलब एप्पल बोला कि ठीक है USA में तो हम ज़्यादा नहीं बढ़ सकते, यहां को ये दोनों मार्केट पकड़ रहे, ठीक है चाइना में वो घुसा तो भूल गया कि चाइना ही उसका हर चीज़ बना रहा है। तो चाइना में जैसे वो लोगों को लूटने का कोशिश किया, मतलब एप्पल का डिवाइस सीधा लूटता है, क्योंकि मतलब अगर वो $100-$200 में फ़ोन बनाते हैं वो $700 में बेचते हैं, तो अगर आप सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट हटा भी दें उसके बाद भी इतना ज़्यादा दाम का मानना सही नहीं लगता है मुझे। तो ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि आईफोन अपना रिपेयर करने नहीं देता है अपना सिस्टम को, आईफोन आपको रिपेयर करने आप गए आईफोन के दुकान में, वो मतलब लगभग आपको नए मोबाइल जितना दाम बता रहे, जिसके लिए मैं वीडियो नीचे दे देता हूँ, बहुत गंदा चार्ज करते थे। चाइना वाले बोले अरे बेटा, वो लोग क्या कि क्योंकि बाहर वाले यानी कि इंडिया में यानी कि USA में इतना ज़्यादा दाम पर रिपेयर हो रहा था, उन्होंने क्या कि अपना ही फ़ोन को स्क्रू अप करे, मतलब उसको खोले, उसमें सब चाइनीज़ पार्ट लगा के उसको वापस भेज दिया एप्पल को कि भैया तुम इसको ठीक करो, और वो लोग तिगड़म लगा लिए कि एप्पल ऐसे वारंटी चेक करेगा, हम ऐसे ऐसे करके वारंटी बाईपास कर देंगे। मतलब जितना जितना समझदार एप्पल था, अपने आप को समझता था, उसे दादा दादाजी लोग थे, तो ये उसका सारा पार्ट लिखा है जेन्युइन पार्ट, और उसके बाद बेच दिया मतलब मार्केट में, और जो नया पार्ट है उसको फिर बेच दिया। ऐसा एक ही दो बार किया जा रहा था, लेकिन समझिए एप्पल जो था अपने कंपनी के लिए रखा हुआ था $1 बिलियन कि $1 बिलियन का रिपेयर होगा, $2-3 बिलियन तक उनका पर साल जाने लगा रिपेयर के चक्कर में, क्योंकि चाइना उनको लूटने लगा एकदम बढ़िया से। ऐसा नहीं था कि कोई कंट्री डिसाइड किया लूटेगा, लेकिन कुछ लोग ही समझ गए कि एप्पल जैसे लूट रहा है, एप्पल का बहुत प्रॉफिट मार्जिन है, क्योंकि एप्पल अपने कंपोनेंट से पागल जैसा चार्ज करता है, और मतलब एप्पल तो लड़ता है कि कोई और कंपनी आपको रिपेयर नहीं करने देगी, मतलब अगर आप किसी दुकान के पास गए और एप्पल उसको मतलब वो रिपेयर किया एप्पल को, एप्पल लिटरली उसका जॉब के पीछे पड़ जाता है, मतलब लिटरली लॉयर भेज देता है लिटरली कि भैया उसको बंद कराओ। तो चाइना मतलब चाइना में उसकी धोयाई गई। फिर इंडिया में जब ये बात आया तो इंडिया में तो ये इंसल्ट कर दिया इंडियंस की, कि मतलब भाई हमारा आईफोन 7 है मार्केट में, हम आईफोन 5 इंडिया को देंगे, मतलब यार क्या समझ लिया है इंडिया को, मतलब लाइक कुछ तो बुद्धि रखते, कुछ तो समझते। ठीक है आपको दिखता है इंडिया गरीब है, एक तो गरीब देश में आप आना क्यों चाह रहे हो, दूसरा
इंडिया गरीब किस हिसाब से है, मतलब इंडिया में करोड़पति की कीमत अमेरिका के करोड़पति से ज़्यादा है, तो किस हिसाब से आप ये बोल रहे हो कि इंडिया गरीब है? मतलब इंडिया में बैंगलोर में तो मैं तो लैम्बोर्गिनी के शोरूम पर लगे पड़े हैं, मतलब लैम्बोर्गिनी तो ऐसे ही चलता रहता है, रोल्स रॉयस तो ऐसे ही चलता रहता है, मेरे यहाँ सत्संग में छोटे होम टाउन में लैम्बोर्गिनी सब रखा हुआ है, लैम्बोर्गिनी बोलता हूँ, रोल्स रॉयस पुराने रोल्स रॉयस एकदम राइस पाइस, तो ये कह के आना कि अरे इंडिया गरीब कंट्री है तो हम सड़ा हुआ चीज़ निकालेंगे, मतलब अपने बराबर का तो निकालो, मतलब आईफोन 7 बना रहे हो तो आईफोन 7 ही दो ना मार्केट में, आईफोन 5 क्यों दे रहे हो मार्केट में? ये इंसल्टिंग काफ़ी लोग को थोड़ा चुभ गया और इससे काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई मतलब नहीं ये तो सीधा सीधा आप इंसल्ट कर रहे हो, अब जाके ये कर रहे हैं नहीं 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 अब आईफोन 10 हम सबको देंगे, लेकिन समझ सकते हैं एक बार टेस्ट खराब हो जाता है तो आप बोलोगे यार नहीं अब नहीं करेंगे, तो समझिए एप्पल खतरे में है। तो एप्पल इसको खतरा को सलटाना कैसे चाहता है? ठीक है, एप्पल ये कर रहा है कि अब प्रोडक्ट जो है, पहले आईफोन का जो था एक आईफोन होता था, अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि पहले ये हुआ कि आईफोन जैसे ही स्टीव जॉब्स मरा आईफोन छोटा और बड़ा बनाया गया, ठीक है, उसके बाद भी ये हुआ कि अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है कि ज़्यादा बिक नहीं रहा, अब ये क्या कि तीन चीज़ बना लिया, आईफोन छोटा, आईफोन बड़ा, आईफोन सस्ता। तो आईफोन बड़ा का दाम है लगभग $1100, आईफोन नॉर्मल साइज़ का मतलब मीडियम का दाम है $1000, आईफोन सस्ता का दाम है $750, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन ये बहुत खतरनाक चीज़ है एप्पल के लिए खुद, क्योंकि अगर एप्पल ऐसा करने लगा तो एप्पल का वो जो स्टेटस सिंबल था वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि यानी कि जो 750 खर्च कर सकता है अपने फ़ोन के लिए वो उसी लेवल पर आ गया जिस लेवल पर 1100 खर्च करने वाला है, तो समझिए ज़मीन आसमान का अंतर है दोनों के दाम में, लेकिन आप निकाल के एप्पल एप्पल नहीं बोल पाओगे, क्योंकि अरे तो उसके पास भी है, ये तो वही वाला बात हो जाएगी जैसे आप जीन्स आप पहन के समझ रहे हो अपने आपको बड़ा, लेकिन रिक्शा पे आप चढ़ते हो और देखते हो जो रिक्शा चला रहा है वो भी जीन्स पहना हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि वो बहुत खतरनाक बात है। दूसरा, ये लोग फाइनली इंडिया को इतना सीरियसली ले रहे हैं, इंडिया और चाइना को, कि अरे भाई इंडिया चाइना में डुअल सिम फ़ोन बहुत चलते हैं तो हम लोग डुअल सिम बनाते हैं, उसमें भी ये लोग इतना भयानक बेवकूफ़ी किया कि ये फ़ोन में यानी आईफोन एक्स में एक ई सिम है यानी इंटरनल सिम है और एक एक्सटर्नल सिम जो आप लगा सकते हैं, ठीक है, तो अभी यह है कि ये दो फीचर काम नहीं करता है, अभी ऐसा कि आप लगा लेते हैं आईफोन 10 की मेरे को डुअल सिम मिल जाएगा, नहीं, अभी ये होगा कि सिर्फ एक सिम लगाइए वो काम करेगा और दूसरा सिम के लिए जब वो फर्मवेयर अपडेट करेंगे, जब फीचर अपडेट करेंगे कि तब आपको जो भी कंपनी से आपको सिम खरीदना है जैसे कि रिलायंस हो या एयरटेल हो या जियो या एयरटेल है, तो वो आपको एक क्यूआर कोड देंगे, वो आप आईफोन में स्कैन कीजिएगा, आईफोन में आपका सिम एक्टिवेट हो जाएगा जो अंदर में है, मतलब आपको फिजिकली कोई कार्ड लगाना वगैरह नहीं है, वो फीचर अभी चालू नहीं है, तो इसलिए आप उसको खरीदना है अगर डबल सिम के लिए तो थोड़ा रुक जाइए, वो फीचर आने दीजिए, देखिए कि एप्पल मतलब वो फीचर ये एयरटेल और जियो चालू करता है कि नहीं, क्योंकि वो फीचर सुन आज नहीं तो कल सबके पास आ ही जाएगा, क्योंकि सैमसंग और एप्पल दोनों मिलकर इस पर खर्च कर रहे हैं, ये ई सिम को लाना चाहते हैं, फ़ायदा हमारा ही है, तो अच्छा मतलब ये फोकस कर रहे हैं कि भाई इंडिया के फीचर के ऐसा देते हैं। फिर एक्सेसिबिलिटी अपनी प्रोडक्ट की बढ़ाना चाहते हैं एप्पल, तो एप्पल अब वायरलेस चार्जिंग दे रहा था जो कि एप्पल पहले बोलता था कि नहीं नहीं वो बहुत गिमिक है, अब एप्पल वायरलेस चार्जिंग दे रहा है, अब एप्पल पेमेंट सिस्टम में घुस गया कि एप्पल से आप पेमेंट कर लीजिए डायरेक्ट, तो एप्पल अपने डिवाइस को बहुत एक्सेसिबल बनाना चाह रहा है, तो ये है इनका जवाब, मतलब समस्या में है ये है उनका जवाब। तो इससे आपको और मेरे को क्या लेना देना है? जैसे आप बोलोगे नहीं भैया मैं तो एंड्रॉइड लेके घूमता हूँ मेरे को क्या लेना देना, नहीं बहुत चीज़ लेना देना है, अगर यूएसबी सी सब चीज़ के लिए आने लगा तो आप समझिए आपके जो MI 1 आप खरीद रहे हैं या MI A2 खरीद रहे हैं वो सब में भी तो USB-C ही है, तो USB-C जैसे आने लगेगा तो हर चीज़ आपको लगेगा, मतलब आप एंड्रॉइड का चार्जर भी लगा सकते हैं, आपको USB-C के डॉक्स मिलने लगेंगे, तो USB-C अगर हर चीज़ में आता है सबको फ़ायदा है, पूरी दुनिया को फ़ायदा है, जैसे कि जब माइक्रो भी इस्तेमाल करने लगे सब मोबाइल मैन्युफैक्चर सबका फ़ायदा हुआ, सबका चार्जर एक दूसरे के साथ काम करने लगा, आप आराम से इंजॉय कर पाएगा, और एप्पल हमेशा महंगे प्रोडक्ट बनाता है, तो मान लीजिए आप परेशान हो गए आपका सस्ता चार्जर, मान लीजिए इस तरह के सस्ते फ़ोन के साथ सस्ता ही चार्जर रहेगा, फ़ोन तो बहुत अच्छा लेकिन चार्जर उर्जर में पैसा ही लोग बचा लेते हैं, तो मान लीजिए आप परेशान हो गए आप एप्पल का चार्जर खरीद लीजिए, और ये स्टैंडर्ड इतना एडवांस है USB-C स्टैंडर्ड कि आप देख सकते हैं इस तरह के इतने सारे पोर्ट्स भी आते हैं, वो सब तो छोड़िए, आप मान लीजिए इस तरह का टीवी खरीदते हैं, आप एक मॉनिटर खरीदते हैं अपने लैपटॉप के लिए, आप इसमें पावर केबल लगाए, ठीक है, आपको एक USB-C केबल लटकाइए पीछे से बाहर रख दीजिए, आप लाए अपना लैपटॉप एप्पल का हो चाहे डेल का हो उसको खोले उसमें USB-C लगा दिए, अब ये हो रहा है इसके साथ कि इसमें जो ट्रांसफार्मर है पावर ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ आपके मॉनिटर में वो लैपटॉप को चार्ज कर रहा है, ठीक है, जो तार आपने लगाए उसी तार से चार्ज भी कर रहा है और उसी तार से डिस्प्ले का सिग्नल भी आ रहा है, तो आपको HDMI नहीं लगाना है, वो USB-C से ही आपका सिग्नल चल रहा है, वो डिस्प्ले सिग्नल दे सकता है 4K 60 फ्रेम पर सेकंड तक,
तो समझ लीजिए आपका टेंशन ही खत्म गया, आपको सिर्फ एक तार लैपटॉप चार्ज, नहीं कोई टेंशन नहीं, वो अपना चार्ज हो रहा है, लैपटॉप से डिस्प्ले वो भी चल रहा है, कोई टेंशन नहीं, और डेजी चेन भी करना पॉसिबल हो जाएगा। तो इससे आपका और मेरा बहुत फायदा होने वाला है। आप समझिए कि आने वाले टाइम में जैसे कि लैपटॉप आजकल खास करके जो थिन और लाइट है वो तो बहुत हुआ तो 30-40 वाट खाते ही हैं, और USB-C को बनाया ही गया कि 100 वाट तक वो हैंडशेक कर सकते हैं। तो 100 वाट का हैंडशेक का मतलब ये होता है कि वो 20 वोल्ट देंगे और 5 एम्प देंगे, ताकि यानी 100 वाट का चार्जिंग वो कर सकते हैं। तो बहुत पावर है, मतलब कुछ ही लैपटॉप है जो 100 वाट से ज़्यादा खाता है, खासकर गेमिंग लैपटॉप, लेकिन जनरली लगभग सब चीज़ को चार्ज किया जा सकता है। और जितना कंपटीशन बढ़ेगा USB-C मार्केट में, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिलने लगेंगे, अलग अलग दाम पे प्रोडक्ट मिलने लगेंगे, तो इसे आपको और मेरा ही फायदा होगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन एप्पल iOS यानी कि एप्पल iPod Pro जो अब USB-C देने लगा, उससे आपका और मेरा क्या फ़ायदा होने वाला। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, उसको सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो आप लाइक कर दीजिए, और मैं कहूँगा कि आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, आप सब्सक्राइब कीजिए, आप कमेंट लिखिए कि अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे। अगर आप फ्री हैं तो घंटी बजा दीजिए, आपने मेरा वीडियो देखा ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।